वक्त है उसके साथ मैं हूँ इरफाना सईद और मैं हूँ मोहम्मद उसामा। सबसे पहले वक्त हेडलाइन। कराची में रेंजर्स का फारूक सत्तार के घर पर एमपीए कामरान फारूकी की मौजूदगी के इतला पर छापा। एमकेएम की मजम्मत, आज जो में एहतजाज का ऐलान। राबिता कमेटी का आवाम से कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील। कराची में किसी किस्म की हड़ताल नहीं होगी, दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कारोबारी मराकज बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे, डीजी रेंजर्स का बयान। लाहौर के इलाके कहना में सीआईए पुलिस की कार्रवाई, एक दहशत गर्द हलाक, दो फरार। दहशत गर्दों की कैद से हसास इदारे का अहलकार बाजियाब। मुल्क की सियासी अस्करी क्यादत अमरीकी ड्रोन हमले के खिलाफ डट गई। हमले से अफगान मुस्लिमती अमल को शदीद झटका लगा। मुल्क दुश्मन एजेंसियों को पाकिस्तान में इंतजार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ्फुज़ किया जाएगा, इजलास में फैसले। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और सिविल जौहरी तआवुन पर तबादला ख्याल। नरेंद्र मोदी कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शमूलियत के लिए अमरीकी तआवुन के शुक्रगुजार। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को करियर पर लगे बदनुमा दाग को धोने का मौका मिल गया। दौरे इंग्लैंड की राह हमवार, टीम के साथ 18 जून को बरतानिया रवाना होने की उम्मीद। और अमरीका की 6 रियासतों में सदारती उम्मीदवारों की पार्टी नामजदगी के लिए इंतखाबात। सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने न्यू जर्जी, न्यू मैक्सिको और साउथ डेकोटा से पार्टी नामजदगी हासिल कर ली। बर्नी सैंडर्स नॉर्थ डेकोटा से जीत गए।